अस्सलाम वालेकुम, जुलेखा के दुनिया में वेलकम है। देखिए, ये मैं ऑनलाइन ये पौधा मंगाई थी, इसकी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ, इसे गमले में लगाने जा रही हूँ। देखिए, पहले मैं खोल कर आपको दिखाती हूँ। देखिए, पॉलीथीन से बंधी हुई थी तो इसे मैं खोली हूँ। अब देखिए, ये छोटी सी पॉली बैग में लगी हुई है, ये ऑनलाइन आई है हमारे पास। देखिए, इसे अब पॉली बैग को मैं सावधानी से इसे सीजर से काटूंगी। देखिए, इस तरह से इसकी जड़ को बचाते हुए सावधानी से इसे काट कर हटा देना है, ताकि इसकी रूट डिस्टर्ब ना हो। देखिए, इस तरह से ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। अब देखिए, ये उसके लिए मिट्टी मैं तैयार की हूँ। इसमें सभी तरह का चीज़, बर्मी कंपोज, राइस हस्क और थोड़ा बालू, फंगीसाइड, सभी चीज़ मिलाकर इसे मिक्स अच्छे से कर ये गमले में भर रही हूँ। इसी में मैं लगाऊंगी, छोटी सी गमला है मिट्टी की। देखिए, ये 6 इंच की होगी, 5-6 इंच की ये गमला होगी, उसी में मैं इसे लगा दूंगी। देखिए, इसे थोड़ा थोड़ा सोच रही हूँ नीचे का मिट्टी हटा दूं, और इसे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है, ठंड है इसलिए इसे ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। इसी तरह मैं लगा दे रही हूँ। देखिए, इस तरह से बीच में सेंटर में लगा दी हूँ। अब इसके चारों तरफ से मिट्टी मैं रख दूँगी इस तरह से। देखिए, इस तरह से मिट्टी रख दी हूँ। मिट्टी हमारी बहुत अच्छी है, वेल्ड्रिन मिट्टी है। अब इसकी एयर पैकेट ना हो इसलिए मैं इसे थोड़ा चारों तरफ से दाब दाब कर इस तरह से मिट्टी को भर दू रही हूँ। देखिए, इस तरह से मिट्टी डाल दी हूँ। अब थोड़ी नीचे बैठेगी मिट्टी। देखिए, इस तरह से इसे लगा दी हूँ। इसमें थोड़ा पानी डाल दे रही हूँ। देखिए, एक हमारे पास ये पौधा है, मुझे मिली थी एक पौधा, ये देखिए मखमली का पौधा बोला जाता है, इसे कई नामों से जाना जाता है, मयूर सीखा बोला जाता है, सेल्सिया ये पौधा है। बहुत लोग मखमली का पौधा बोलते हैं। ये मुझे मिली थी कहीं से, तो ये 2 दिन तक मैं इसे पानी में रखी हुई थी, आज मैं लगा रही हूँ इसे। देखिए, ये लगती है या नहीं लगती है, अगर लग जाएगी अच्छे से, ये फूल सब सही हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। पहले मैं इसे लगा कर अच्छे से, इसे भी दाब दाब कर मिट्टी को लगा देना है। मिट्टी अच्छी रहनी चाहिए, मिट्टी में सभी चीज़ मैं मिलाई हुई हूँ, फंगीसाइड भी डाली हुई हूँ और राइस हस्क भी है, इसे भी अच्छे से खूब अच्छे से इसे मिट्टी को दबा दबा कर इस तरह से मिट्टी भर लेना है।
इसमें मैं थोड़ा फंगीसाइड का पानी भी डालूंगी। पहले अच्छे से मिट्टी को बैठा ले रही हूँ। अब देखिए ये फंगीसाइड का पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें भी डाल देती हूँ, इसमें नहीं डाली थी। खूब अच्छे से पानी डाल देना है और उसके बाद इसमें जब मिट्टी ये सूख जाएगी अच्छे से तभी मैं पानी डालूँगी, मगर अभी मैं अच्छे से पानी डाल दे रही हूँ कि ताकि सारा मिट्टी सूख जाए। देखिए ये मोर पंखी मखमली का पौधा इसे कहा जाता है, इंग्लिश में इसे कहा जाता है सिलेसिया। देखिए ये लगाकर मैं छाए वाली जगह में इसे रख दी हूँ। अब ये अगर ये लग गई अच्छे से तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी किसी वीडियो में। देखिए हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप नए देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए गर्मी में इसमें बीज निकलने लगती है तो इसको तैयार करके रखिए। अल्लाह हाफिज़।